चाचा एम न्यायालय का अधिकारी हूँ। आज इतवार के दिन उन्होंने हमारी पिटीशन को सुना। ये पिटीशन तीनों राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के द्वारा पेश किया गया था और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी मोबाइल वाले या तो तुम लोग नीचे कर लो थोड़ा। उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी, जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा। और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि यह फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि एक नाजायक सरकार एक दिन भी सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और इसका एक ही फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के माध्यम से विधिमंडल विधानसभा के पटल पे ही इसका निर्णय होगा। हम मांग करते हैं कि तुरंत ये फैसला करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दें।